सोलन नगर निगम को नगर परिषद बना दिया गया है, लेकिन नगर निगम में शामिल किए गए गांव अभी तक इसका विरोध कर रहे हैं। गांववासी नगर निगम के विरोध में कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल का ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके विरोध पर कोई प्रतिक्रिया प्रदेश सरकार ने नहीं दी है। सोलन में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दौरा किया और कहा कि सोलन का तरतीब से विकास हो। सोलन आसपास के क्षेत्रों में फैल रहा है, वहां बस रही कॉलोनियों में एम्बुलेंस के आने जाने के लिए सड़कों का उचित प्रबंध हो, उन्हें वहां सभी आधुनिक सुविधाएं मिले और किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए सोलन को नगर निगम बनाया गया है, लेकिन कुछ लोग राजनीति के चक्कर में इसका विरोध कर रहे हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि नगर निगम का सोलन के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, ये शायद वे लोग जो कृषि भूमि के लिए नहीं बल्कि वे अपने राजनीतिक भूमि छीन जाने के कारण विरोध कर रहे हैं, क्योंकि नगर निगम में समिति बाढ़ है और वे पंचायत में जनप्रतिनिधि बनने के प्रयास में हो। उन्होंने कहा कि जब नगर निगम की घोषणा हुई तब सभी से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थी और सभी ने ये आपत्तियां दर्ज भी करवाई गई थी, जिसे जिला प्रशासन ने प्रदेश सरकार तक पहुंचाया, जिस पर पूरा सोच विचार किया गया, जिसके बाद ही नगर निगम को लेकर निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि नगर निगम में केवल वह जमीन ही शामिल की गई है जो कि बिक चुकी है और हल लगती जमीन को इसमें बिल्कुल भी नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि जब कोई विकास का कार्य होता है तो उसका विरोध भी होता है, जो सामने दिख भी रहा है। पूरा प्रयत्न किया गया है कि हम एक भी पंचायत हमने नहीं ली है, उसमें जो एरिया जमीनें बिक गई सारे मेन नंबर हैं, हमने जो है वो खसरा नंबर वाइज जो है वो उसमें तय होता है, जितने भी मेन नंबर हैं जो बिके हुए प्लॉट्स हैं, बिके हुए प्लॉट वही स्थान जो है वो इस बार इसमें लिए हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ लोग नेचुरली जो है पंचायतों में जब रहते हैं वहाँ पर शायद जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, यहाँ पर वार्ड कम हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत विरोध किसी राजनीतिक कारण से या अन्य कारण से उठता है, लेकिन अधिकांश कोशिश की है। हमने डीसी को जो है वो जब नोटिफिकेशन पैदा किया था इंटेंशन का, तो उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्शंस मांगे गए, डीसीज ने सुने, डीसीज ने जो है उसके बाद वो सरकार को भेजे, सरकार के स्तर पर उसकी स्क्रूटनी हुई है, फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जो उसकी स्क्रूटनी हुई है, जनप्रतिनिधियों से लोगों से सबसे पूछ करके ये किए हैं। तो हर चीज़ जब होती है तो उसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो विरोध रहता ही है।